पूरी रिकॉर्डिंग हो भी रही कि नहीं। देखिए नेट का इश्यू है तो इसी वजह से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, वरना ठीक है यार, रिकॉर्ड करने है ना। ठीक है खैर, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, कोई मसला नहीं है यार, बेफिक्र रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों की अटेंडेंस होनी चाहिए भाई, खुदा करे कि यार ये फिजिकल क्लासेस शुरू हो। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव साइंस जो फैक्ट्स पर बात करती हैं, ठीक है, नॉर्मेटिव साइंस वो साइंस होती है जो कि जजमेंट पर, एजम्पशन पर बेस करती हैं, ठीक है, जो मफरूजात की बेस पर जो बात करती हैं कि अगर ये चीज ऐसी होगी तो तब ये फला चीज ऐसी होगी, अगर ये चीज ऐसी होगी तो तब ला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा, सही है जी। जबकि पॉजिटिव साइंस फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करती है, ठीक है, 2 + 2 = 4 पॉजिटिव साइंस, ठीक है। नॉर्मेटिव साइंस फॉर एग्जांपल, अगर इंटरेस्ट रेट ये रहा तो तब इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम रहा तब इकोनॉमी ग्रोथ फॉर एग्जांपल ग्रोथ नहीं करेगी, ठीक है, तो जो बेस्ड करती है जजमेंट पर, सही है जी। तो इकोनॉमिक्स में हम तकरीबन सारे जजमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, हम एजम्पशंस की बेस पर हम ये बातें करते रहते हैं। क्लियर, अभी क्लियर है कि नहीं जी? अगर नहीं तो आई रिपीट कि पॉजिटिव साइंस वो साइंस होती है जो कि फैक्ट्स एंड फिगर पर बात करती है। यार आप केमिस्ट्री वगैरह में H2O वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप कर ले कंबाइन तो वो पानी वगैरह बनता है, सही है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस वो साइंस होती है जो कि जजमेंट पर बात करती है, क्लियर जी, अब एजम्पशन पर बात कर रही है। बिल्कुल, नॉर्मेटिव साइंस में अगर एजम्पशन होगी तो एप्लीकेबल, ना होगी तो नहीं एप्लीकेबल, एक्सेप्शन है ना, फिर एजम्पशन एप्लीकेबल भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड में कहते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिमेंड कांस्टेंट, कि कंज्यूमर कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी तो तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, लेकिन हम रियल में देखते भी हैं कि बंदे की इनकम कांस्टेंट भी नहीं रहती, अप्स एंड डाउन होती रहती है उसकी इनकम में, कभी इनकम इंक्रीज कभी इनकम डिक्रीज बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, एजम्पशंस के अगेंस्ट जो चीज चलती है ना, जो एजम्पशन को निगेट करती है उसको कहते हैं एक्सेप्शन, बिल्कुल बिल्कुल डिबेटेबल है। जब हम एजम्पशन को निगेट करेंगे ना तो उसके लिए एक्सेप्शन की टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे फिर इकोनॉमिक्स में, सही है जी, अब क्लियर। अच्छा अब सही है जी, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा अब इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, अभी एक बच्चे ने पूछा अभी था कि सर इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, सही है यार। पहला जो ऑब्जेक्टिव है ना, टू लोअर द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर बेरोजगारी खत्म हो, ठीक है। हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ शुरू करने हैं, कैसे कैसे शुरू करने हैं ताकि बेरोजगारी खत्म हो, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है कि बेरोजगारी को किस तरह खत्म करना है, और ये आपके इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, टॉपिक्स है पूरा हमारा, क्लियर। तो इंशाल्लाह ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव ये कि बेरोजगारी को कैसे खत्म करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म करें, और लोगों को उसकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक किस तरह रोजगार दें, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है ये कि हमने लोगों को किस तरह रोजगार देना है उसकी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक जी। यहाँ तक कोई सवाल इसमें, काइंडली कोई सवाल हो तो पूछ लें, पहले पॉइंट में कोई सवाल हो तो काइंडली पूछे जी, इसमें कोई सवाल? ठीक है, गुड। टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड अवॉइड रैपिड फ्लक्चुएशन इन प्राइस, यार प्राइसेस बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन ना हो, क्योंकि जब प्राइस बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होती है ना तो कंज्यूमर जो आम बंदा है, हम जैसे लोग, हम भी डिस्टर्ब होते हैं, और जो प्रोड्यूसर होता है ना वो भी डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कैसे डिस्टर्ब होते हैं यार, आज फॉर एग्जाम्पल एक गुड्स की प्राइस क्या होगी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज मैं बाजार जाऊंगा तो चीनी मुझे कितने प्राइस में मिलेगी, आटा मुझे कितने प्राइस में मिलेगा, क्या कल वाली प्राइस थी या परसों वाली प्राइस की, नहीं आज कोई प्राइस चेंज होगी, ठीक है ना। तो जब प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है तो कंज्यूमर डिस्टर्ब होता है, इसी तरह प्रोड्यूसर भी डिस्टर्ब होता है, जब प्राइस बहुत ज्यादा चेंज तो वो कहते हैं यार मैं प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखूं,
अगर मैं ज्यादा रखूंगा तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, अगर मैं कम रखूंगा तो मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्राइस फ्लक्चुएशन तो डिस्टर्बेंस है ना पाकिस्तान में। प्राइस किस तरह स्टेबल करनी है, ये प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का काम है, ये इकोनॉमिस्ट का काम है कि प्राइस को किस तरह स्टेबल रखेंगे, ठीक है ना। कि प्राइस स्टेबिलिटी पूरा डिपार्टमेंट, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है ना, उसने देखो दो तरह की चीजें होती है, एक होते प्राइस सीलिंग, एक होती है प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग तो चाहते हैं ना छत को कहते हैं, फ्लोर मीन्स फर्श। प्राइस सीलिंग मीन्स कि प्राइस इससे आगे ना बढ़े, प्राइस इससे आगे बढ़ेगी तो कंज्यूमर को नुकसान होगा क्योंकि प्राइस बहुत हाई हो जाएंगी। प्राइस फ्लोर मीन्स कि प्राइस इससे कम होगी तो तब भी प्रोड्यूसर को नुकसान होगा क्योंकि प्रोड्यूसर डिस्टर्ब होगा, बिजनेसमैन डिस्टर्ब होगा तो इकोनॉमी किस तरह चलेगी। तो ये प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम होगा इंशाल्लाह, ये हम पढ़े। बिल्कुल मार्केट भी डिस्टर्ब होती है, इसकी वजह क्या है यार, इंशाल्लाह ये फिर पढ़ लेंगे ना, अभी टाइम भी कम है मेरे पास और आप लोगों को पता है कि यार इसलिए कि हमारे पास प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट भी सही नहीं है और बैड मैनेजमेंट एंड बैड गवर्नेंस आप कह सकते हो, ठीक है ना जी। तो इसी वजह से और माफिया लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विच मींस प्रोडक्ट मैक्सिमाइज आउटपुट। अच्छा, आउटपुट को भी इंक्रीज करना है, ठीक है। हमने कहा था, क्या कहा था कि हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए ताकि हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर लें, यही पढ़ा था ना अभी तक। तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी इकोनॉमिक्स की एक ऑब्जेक्टिव, एक इम्पोर्टेंस है ताकि हम कम से कम, क्योंकि रिसोर्सेज तो कम है, हमने उस रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करना होगा, इस तरह इफिशेंसी के साथ इस्तेमाल करना होगा कि हमें उनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल हो, उनसे ज्यादा गुड्स हासिल हो और वो गुड्स हासिल करके हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लें। तो ये भी इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है। प्राइस में फ्लक्चुएशन किस चीज की बेस पर होती है यार, होर्डिंग की बेस पर भी होती है, ठीक है ना। होर्डिंग की बेस पर फ्लक्चुएशन मतलब आप जखीराअंदोजी कर लेते हो, तो जब आप जखीराअंदोजी कर लेते हो तो आप अपने मतलब मार्केट में प्रोडक्ट इन नहीं करते, जब आप प्रोडक्ट इन नहीं करोगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर नहीं। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर है यार, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम फिर बाद में डेटा, हमारा टॉपिक नहीं है ना कि यार किस वजह से यार, क्योंकि ये हमें अपने सिलेबस भी कवर करना होता है ना भाई। अच्छा, एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंशाल्लाह बाद में इस पर गप लगाएंगे, फारे हो जाए तो फिर इस पर गप लगाएंगे। एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये कि फॉर एग्जांपल चाहे अमीर तबका हो चाहे गरीब था, उसको उसकी सलाहियत के मुताबिक उनका रिवार्ड मिले, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये ना हो कि अमीरों को ज्यादा मिले और गरीबों को कम मिले, क्लियर। अमीर अमीर से होता जाए और गरीब गरीब तर होता जाए। तो ये भी इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है कि इंसान की अगर बेसिक नेसेसिटीज हो ना वो भी पूरी होती रहे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि उन सबको उनका रिवार्ड मिले, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो, ताकि वो अपनी जरूरियाती जिंदगी को पूरा कर सकें। और डेवलप इकोनॉमिक फ्रीडम एंड वेलफेयर बाय क्रिएटिंग पॉलिसी दैट प्रोवाइड पीपल विद मोर चॉइस। अच्छा, लेकिन इस तरह होता है कि इकोनॉमिक्स की एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंसान जो चीज को पसंद करें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी गुड्स को वो पसंद करें, ठीक है, वांट सेटिस्फाई करने के लिए, उसके लिए वही चीज प्रोड्यूस की जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा हो, उसको वो चाय का शौकीन है तो उनके लिए चाय ही प्रोड्यूस करे। एक बंदा है वो कॉफी का शौकीन है तो उसके उनको उनके लिए कॉफी ही प्रोड्यूस करें, क्लियर। इसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम। आप जो चाहे पसंद कर सकते हो, आपके लाइक और डिसलाइक पर किसी की कोई पाबंदी नहीं, और आपको जो चीज पसंद हो आपके पास वो अवेलेबल भी हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक चॉइस। इंशाल्लाह जब हम इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे ना, देखो वो था प्लैंड इकोनॉमी। सोशलिज्म में क्या था, सोशलिज्म में ये था कि हुकूमत जो चीज बनाती मजबूरन आवाम को वही चीज कंज्यूम करनी पड़ती थी, ठीक है। अगर हुकूमत कहती कि नहीं हम कॉफी बनाएंगे जबकि लोगों की डिमांड थी चाय की, तो मजबूरन लोगों को कॉफी पीना पड़ता था क्योंकि उधर उसकी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी। तो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये कि आप जो चीज पसंद करें, आपको जो चीज अच्छी लगे, प्रोड्यूसर वही चीज आपके लिए प्रोड्यूस करें, क्लियर। तो आपकी चॉइस और आपकी लाइक और डिसलाइक पर कोई पाबंदी ना हो जी। अब आप सवाल पूछे, शाबाश पूछे, अब आप सवाल अपने अपने पूछ सकते हैं, शाबाश। आवाज आ रही है जी,
पूछे शाबाश। अच्छा, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये कि आपको जो चीज पसंद हो ना, वो मार्केट में वो चीज अवेलेबल भी हो, प्रोड्यूसर आपके लिए वही चीज प्रोड्यूस भी करें। फॉर एग्जांपल आपको बर्गर पसंद है ना, तो मार्केट में बर्गर भी अवेलेबल हो, प्रोड्यूसर जो हो ना वो आपके लिए बर्गर प्रोड्यूस कर ले। सही है जी। अगर आपको टी पसंद है ना, तो मार्केट में टी भी अवेलेबल हो, अगर आपको कॉफी पसंद है ना, मार्केट में कॉफी भी अवेलेबल हो। सही है जी। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी आपकी चॉइस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। भाई आपकी अपनी मर्जी है, आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो, जो खाना चाहते हो खा सकते हो, जो पहनना चाहते हो पहन सकते हो। इसको कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम, मार्केट में वो चीजें अवेलेबल हो। अच्छा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन कि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। इसका मतलब ये कि ऐसा ना हो कि अमीरों को ज्यादा हिस्सा मिले और अमीर अमीर से होता जाए, और गरीबों को बुनियादी जरूरियात भी अवेलेबल ना हो। तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक ये है कि गरीबों को भी हिस्सा मिले और अमीरों को भी हिस्सा मिले। ऐसा ना हो कि अमीरों को ज्यादा मिले और गरीबों को कम मिले, इस तरह नहीं। सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, सब कुछ चीज अवेलेबल होगी। क्रिएटिंग पॉलिसी विद मोर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मजीद चॉइस होनी चाहिए। सिर्फ ये ना हो कि आप सिर्फ अपने आप को ना टी तक महदूद रखो या अपने कॉफी तक महदूद रखो, मजीद चीजें भी आप पसंद कर सकते हो। ठीक है, प्रोड्यूसर का काम ये कि आपको मजीद मजीद चीजें लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा चीजें लेकर आए, नई नई चीजें लेकर आए। ठीक है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन ये कि ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन का सारा हिस्सा अमीरों के पास चला जाए और गरीबों के पास कुछ भी ना रहे। सही है जी। तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, और लेकिन सब पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है ना, उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए, गरीबों को भी। ऐसा ना कि पूर पूर बनता जाए और अमीर अमीर बनता जाए। जी क्लियर है जी। सर, अगर मेरी चॉइस वाइन है तो मार्केट में वो आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ तो देखो कुछ चीजें अब सोशल भी होती है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की वाइन पर, लेकिन बाहर के ममालिक में तो इस तरह नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें मजहबी वो भी, लेकिन इधर भी तो अवेलेबल होते हैं ना। किधर वाइन अवेलेबल नहीं है यार। ठीक है, पाकिस्तान में तो इकोनॉमिक फ्रीडम ही है। सिगरेट भी तो नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट भी अवेलेबल है, वाइन भी तो अवेलेबल है, किधर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फुली इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, क्योंकि कुछ देखो अदर फैक्टर्स भी होते हैं ना, कुछ कल्चर फैक्टर्स भी होते हैं, रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है ना, अब बाहर के ममालिक में देखे तो उधर इकोनॉमिक फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन उधर हलाल फूड कम अवेलेबल है, क्योंकि सिर्फ देखो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होते किसी भी मुल्क में, रिलीजियस फैक्टर भी होते हैं और कल्चर फैक्टर भी होते हैं। इसको भी तो आपने जहन में रखना होगा भाई। ठीक है जी, सही है यार। अच्छा, अभी क्लियर है भाई? तो कंक्लूड कर लेते हैं इसको यार। ये आपने याद रखना है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक क्वेश्चंस। ये तो क्लियर है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, क्लियर, और इकोनॉमिक क्वेश्चन हाउ व्हाट एंड फॉर होम। सही है जी। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस आर आर्ट्स, इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक एंड वी आर नॉट कंसर्न विद इट। ठीक है, हमें से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ एक नजर आप पढ़ लो, अल्लाह ना करे कि पेपर में आ जाए तो फिर आपको पता हो, लेकिन ये सिर्फ एक नजर पढ़ लो आप लोग। जी कोई सवाल, एक पास पेपर वगैरह कर लेते हैं यार, कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जी यहाँ तक तो कोई सवाल? जी ये एक ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं जो आपके पास्ट पेपर में आया था। सही है जी, आपके पास्ट पेपर में ये ऑब्जेक्टिव 2 दफा आ चुका है जी। आपके क्वेश्चन बैंक में भी ये ऑब्जेक्टिव थे और ये ऑब्जेक्टिव पास्ट पेपर में 2 दफा आ चुका था। विच ऑफ द फॉलोइंग, अपने अपने जवाब पर दे दे ठीक है, कमेंट बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लोअर ऑफ इनकम एंड हायर टैक्सेस, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है,
नंबर सी अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स शॉर्टेज, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एंड नंबर डी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट एंड रिसेशन इज ए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इनमें कौन सा सही है भाई? थोड़ा सा सोच लेना यार, थोड़ा सोच, ठीक है ना, सुकून से। जो हजरत बी भी लिख रहे हैं तो जरा जस्टिफाई कर ले। अब यार हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? माशाल्लाह तकरीबन गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। यार जो हजरत बी भी लिख रहे हैं ना भाई मेरे, अभी हमने क्या पढ़ा था, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कार्स रिसोर्सेज, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स को स्कार्स रिसोर्स भी कहते हैं, सही है जी? तो काइंडली इसको जरा रिवाइज कर लेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। अभी हमने बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन पढ़े थे, बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाला बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है? देखिए एग्जामिनर किस तरह पूछते हैं, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जी कौन सा वाला बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन नहीं है? गुड यार, गुड, शाबाश, बाकी भी। जी क्लियर है ना? तो इस तरह के सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ऑब्जेक्टिव, ये पास्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव में आपसे करवा रहा हूं, ठीक है जी? अच्छा एक और कर लेते हैं भाई, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना, ये दो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है कि नहीं, काइंडली पूछे, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा एक, अभी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, देखो ये आता पास पेपर में, हाँ मैंने अब लोग दोबारा पर, देखो ये, चलो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है जी? तो अभी आज हमने क्या पढ़ा, क्रक्स क्या है इसका? क्रक्स ये है कि बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स या लिमिटेड रिसोर्सेज, सही, और बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किस तरह पास्ट पेपर में आया था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लिया, सही है जी? तो काइंडली आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं मुझसे, सही है जी? और आप वैसे भी मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग वगैरह में पूछ के ना यार मैनेजमेंट से उसका तरीकाकार क्या होता है ना, फिर आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर दूंगा। पर्सनली मुझे कभी मैंने अपलोड नहीं किया, तो वो अपने उससे कर लेते हैं चैनल वगैरह से, ठीक है ना? तो वो मैं आपको करवा दूंगा, आप वैसे भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिपीट भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू एंड फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, और कोई सवाल हो तो काइंडली पूछें, ग्रुप में भी आप वही पूछ सकते हैं, ठीक है? तो साथ साथ देखो मैं पास पेपर भी करवा रहा हूँ, साथ साथ ये क्वेश्चन बैंक में भी आए थे, और साथ साथ इंशाल्लाह हम हमारा कोर्स भी होता जा रहा है, तो काइंडली आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? कोई और सवाल तो इंशाल्लाह बस ख़त्म कर लेते हैं, फिर ये काइंडली कोई सवाल हो तो पूछ लें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह फिर।